हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट्स वी शैल लर्न अबाउट द नेचुरल रिसोर्सिज इन सब्जेक्ट सोशल स्टडीज आज हम नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज थिंग्स दैट वी कैन यूज आर कार्ड रिसोर्सिस नेचर हैज़ गिव अस मैनी ऑफ़ द थिंग्स वी यूज वी कॉल दिस नेचुरल रिसोर्सिस वाटर एयर प्लांट एंड एनिमल्स आर सम ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सिस जिन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं वे संसाधन कहलाते हैं मतलब रिसोर्सेज प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं वे सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे वाटर पानी एयर हवा प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स मतलब जानवर ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सिस हैं अवर नेचुरल रिसोर्सिस आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस वी शुड टूक आफ्टर डैम प्रॉपरली दिस मीन्स वी शुड not वेस्ट दैम और मेक दैम डर्टी वाई टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल resources, वी टेक केयर ऑफ नेचर हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमें उनकी ठीक से देखभाल करनी चाहिए मतलब है कि हमें इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए या उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए वाटर All animals and plants need water. We need water for drinking, cooking, washing, cleaning, and growing crops. We also need to need it to make things in factories. We use water from rivers, lakes, and ponds. We also use groundwater, which is found under the ground. नेचर हैज़ गिव अस ऑल these sources बट वी may run शॉर्ट ऑफ वाटर इफ वी आर वेस्टफुल सभी जानवरों और पौधों को पानी की ज़रूरत होती है हमें पीने खाने नहाने सफाई और फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है कारखानों में चीज़ें बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है हम नदियों तालाबों और झीलों के पानी का उपयोग करते हैं हम भूमि भू जल का भी उपयोग करते हैं जो पीने के काम आता है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसे भूजल कहते हैं केयरिंग फॉर वाटर वी वेस्ट वाटर इन मैनी वेज फॉर एग्ज़ाम्पल वी वेस्ट वाटर वैन वी फॉरगेट टू टर्न ऑफ आर टैप और लेट इट रन वाइल ब्रशिंग वाशिंग थिंग्स एंड सो ऑन एनअर वे इन विच वी वेस्ट वाटर इज़ बाय नॉट फिक्सिंग ड्रिपिंग टैप्स एंड लीकिंग पाइप्स हम पानी को कई तरह से बर्बाद करते हैं जैसे जब हम नल मतलब टैप को बंद करना भूल जाते हैं या चीज़ों को धोते समय टैप को या नल को चलने देते हैं और इसी तरह से टपकने वाले नलों और लीक पाइपों को ठीक नहीं करना इन सब से क्या होता है पानी वेस्ट होता है नेक्स्ट रिसोर्सेज है अपना एयर आल लिविंग बींग्स नीड एयर Air is a mixture of many gases. Two of these gases are oxygen and carbon dioxide. All living beings use the oxygen in air to breathe. Plants and living beings use oxygen in air to breathe. Plants use carbon dioxide to make food. They use a part of a the food they make and store the rest. When we eat fruit, vegetable and grains, we use the food made by plants. So air helps us get our food. Air has other use too. For example, the oxygen in air helps us help to burn things like wood, coal, एंड गैस क्लियरली एयर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज कहा जा सकता है कि एयर मीन्स हवा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है सभी जीवों को वायु की ज़रूरत होती है मतलब हवा की एयर की एयर बहुत सी गैसों का मिश्रण है इसमें दो इसमें से दो गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं सभी जीवित प्राणी सांस लेने के लिए हवा में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं हवा में ऑक्सीजन लकड़ी कोयला और गैस जैसी चीज़ों को जलाने में मदद करती है नेक्स्ट रिसोर्स है प्लांट्स प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस वी गेट फूड फ्रॉम द फ्रॉम दैम वी आल्सो गेट थिंग्स लाइक वुड वुड कॉटन एंड मेडिसिन फ्रॉम दैम एंड एज यू नो दे हेल्प टू कीप एयर क्लीन पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं उन्हीं से हम खाना उन्हीं से हमें खाना मिलता है प्लांट्स से हमें लकड़ी रुई और दवाइयाँ जैसी चीज़ें भी मिलती हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये हवा को साफ करने में हमारी मदद करते हैं नेक्स्ट है एनिमल्स मतलब जानवर एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज वी गेट थिंग्स लाइक मिल्क एग हनी एंड वूल फ्रॉम देम वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स सम animals pull carts एंड वर्क ऑन फार्म dogs गार्ड our हाउस हाउसेस गाइड dogs हेल्प टू ब्लाइंड वॉक सेफ्टी जानवर हमारी कई तरह से मदद करते हैं जानवरों से हमें दूध शहद और ऊन जैसी चीज़ें मिलती हैं कुछ जानवर गाड़ियाँ खींचते हैं और खेती में काम आते हैं कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं केयरिंग फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नीड केयर हाउ यू कैन हेल्प टू स्टार्ट विद डू नॉट प्लग लीव्स एंड फ्लावर्स विदाउट रीज़न ट्रीज़ आर कट डाउन एवरी डे फॉर फूड बूड एंड अदर थिंग्स। यू कैन प्लान ट्रीज इन योर स्कूल और नेबरहुड यू कैन सेव ट्रीज बाय सेविंग पेपर विच इज मेड फ्रॉम वूड प्लांट्स और एनिमल्स को भी केयर की जरूरत होती जरूरत होती है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बिना रीज़न के ना ही तो फ्लावर तोड़ना चाहिए और ना ही पत्ती को तोड़ना चाहिए और ना ही पेड़ों को काटना चाहिए हमें अपने घर और अपने स्कूल में पेड़ लगाने चाहिए सम पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स क्रोकोडाइल्स एंड एलिफेंट्स फॉर देयर fur, skin, teeth, teeth, and so on. Do not buy things made from these. Be kind to animals. Do not hurt or disturb them. You, if your pet falls ill, take it to a vet. A doctor for animals is called a vet. कुछ लोग टाइगर्स मगरमच्छ और हाथियों जैसे जंगली जानवरों को उनके फर स्किन दांत आदि के लिए मार देते हैं इनसे बनी चीज़ें ना ही खरीदें जानवरों को जानवरों के प्रति दयालु रहें उन्हें चोट ना पहुंचाएं, या परेशान ना करें यदि आपका पालतू जानवर बीमार पड़ता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। जानवरों के डॉक्टर को पशु चिकित्सक कहा जाता है मतलब वेटर इन एरियन स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक नेचुरल रिसोर्स समझ में आ गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एक बार फिर से समझेंगे जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं संसाधन मतलब रिसोर्सेज और नेचुरल क्या होता है नेचुरल मीन्स प्राकृतिक जो चीज़ें हमें नेचर मतलब प्राकृति से मिली हैं वो नेचुरल रिसोर्सिस हैं मतलब प्राकृतिक संसाधन जैसे हमने पढ़ा वाटर एयर एनिमल्स एंड प्लांट्स ये सारे हमारे क्या हैं नेचुरल रिसोर्सिस जो हमें कहाँ से मिले हैं नेचर के द्वारा मतलब प्राकृति से इसीलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की देखभाल करनी चाहिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए थैंक यू